दोस्तों 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए दो बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। देखिए पहला तो ये है कि 12वीं में अगर आपने बायोलॉजी साइंस नहीं भी ली है तो भी अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब बिना साइंस बायो के भी डॉक्टर बन सकते हैं। जी हाँ, डॉक्टर बनने के नियम में बदलाव कर दिया है NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से। अभी ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। NMC ने नीट UG के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये चेंजेज किए हैं, यानी कि 12वीं में बायोलॉजी नहीं भी होगी फिर भी आप नीट का एग्जाम दे पाएंगे। साइंस मैथ्स के स्टूडेंट भी नीट UG एग्जाम दे सकेंगे। NMC की तरफ से नई गाइडलाइंस में क्या क्या बातें कही गई है आइए देख लेते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट नियम है, अब देश में युवाओं के लिए डॉक्टर बनना और भी आसान होगा। डॉक्टरों की कमी दूर हो सके, देश से स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुविधाएं मिल सके और 12वीं में बिना साइंस वाले स्टूडेंट्स को भी डॉक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी मिल सके, इसलिए सरकार की तरफ से चुनावी माहौल के बीच ये कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। पहले आपको बताऊंगा, डॉक्टर बनने के लिए आपको 10वीं बाद 11वीं में साइंस बायो लेना जरूरी होता है, राइट। लेकिन अब ये जरूरी नहीं होगा। जो बच्चे 11वीं 12वीं में मैथमेटिक्स से पढ़ाई करेंगे यानी कि साइंस मैथ्स भी ले रखी है तो भी आपको भविष्य में मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने और डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 11वीं 12वीं में PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट अब नीट UG की परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे और ये नया नियम इसी सत्र से लागू होने जा रहा है। यानी कि अब जो 2024 में नीट UG का एग्जाम होगा ना उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये बदलाव किया गया। हालांकि जो PCM से 12वीं पास करेंगे यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से उन स्टूडेंट्स को एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी की परीक्षा देना जरूरी होगा। बाकी 12वीं में मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी नीट UG का एग्जाम दे पाएंगे, ये देख सकते हैं एग्जाम से संबंधित कुछ जानकारी आप। एज लिमिट कम से कम 17 साल होनी चाहिए। मार्क्स अनारक्षित के लिए कम से कम 50% 12वीं में, OBC SC ST के लिए कम से कम 40% और PWD के लिए 40% क्वालिफिकेशन मार्क्स होना जरूरी है, तभी आप नीट UG के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, इसके लिए सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देने का फायदा ये होगा कि NMC के इस सर्टिफिकेट से स्टूडेंट विदेश में भी ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले पाएंगे। जो 11वीं 12वीं मैथ स्ट्रीम के स्टूडेंट होंगे ना उनको अब विदेशों में भी डॉक्टरी की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इंडिया में भी ये एलिजिबल होंगे और विदेश में भी ये एलिजिबल होंगे और अगले सेशन से ही ये दोनों नए नियम लागू हो जाएंगे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस बारे में आप nmc.org.in पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और एक अपडेट ये भी है, डॉक्टर बनने के लिए नीट UG के सिलेबस में भी बदलाव किया गया। फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 3 टॉपिक्स बढ़ाए गए हैं। ये अब नीट UG 2024 एग्जाम में फिजिक्स के टॉपिक्स होंगे जिनकी लिस्ट आप देख सकते हैं और ये केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स होंगे, ऑर्गेनिक, फिजिकल और अलग अलग तरह की कैटेगरी के केमिस्ट्री में। और नीट UG एग्जाम के लिए बायोलॉजी के टॉपिक्स क्या क्या होंगे ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस साल सिलेबस में भी बदलाव किया गया और ये नियम में भी बदलाव किया गया। उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। आप अपने परिवार, मित्रों, दोस्तों के सभी 12वीं पास स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप पर। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां भविष्य में देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।